वंदे गो मातरम, और मतलब ये तीसरा प्लॉट है बाबूजी का, एक पपीते का हो गया, मक्का का हो गया, और ये केले का है। और इस केले वाले प्लॉट में हम बहुत बढ़िया बन से लगभग 9 महीने की फसल हुई है बाबूजी के हिसाब से ये वाली। और इसके बंच देखिए पूरे। बाबूजी आप बताइए इसमें कब की फसल है, कब लगाई थी और इसमें आपने क्या क्या चलाया? ये दिसंबर फर्स्ट का है। दिसंबर फर्स्ट का हम लोग जो है पूरा गोपालन के आधार पे खेती करते हैं, उसमें हाँ। हमारा ये जो क्रम है केले का, अब केले में भी हमारे पास हमने केला किया था, थोड़ा अगला जो है कमजोर रहा है, हाँ। वो हमने गोपालन के आधार ही था, हाँ। अब इसमें हमने जो चलाया है फसल गुट्टी है ना, अपना ऊर्जा जल है, अन्य द्रव्य है, हाँ। और ये चीजें चलाने के बाद गोधन खनिज खाद भी चलाया है इसमें, ड्रिप से चलाया, हमने गोधन खनिज खाद फेंका नहीं है, 2-3 कट्टे हमने उसको गोल्डन फर्मेंटेशन करके चला दिया है, और फसल गुट्टी हम चलाते रहते हैं। मतलब 9 महीने की फसल में बंच अच्छा बैठा बिल्कुल। तो आपके अनुभव में जैसे पहले केले 11 महीने में हमारा केला कट के बाहर हो जाएगा, नहीं तो जैसा करो केमिकल से अपन करते तो कितने महीने में लगता है बंच लगभग केला कट के? वो अगर आपका न्यूट्रिशन कम होता 14 महीना भी ले लेता, 12 महीना से 14 महीना भी ले लेता, और ये हमारा 9 महीने में कट जाए। अपनी ऊर्जा के ऊपर भी है, अपन जितना देंगे केले को कम से कम न्यूनतम 9 मतलब 10 महीने 11 महीने में आपका कटेगा, और अधिकतम फिर वो 12 महीना 14 महीना या 16 महीना फिर ले लेगा वो, क्योंकि धीरे धीरे निकलेगा ना, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और वेरायटी कौन सी है? वेरायटी ये G9 है, 7 रुपए पौधा मिला है केवल उसमें लगा है, बाकी कोई खर्च नहीं है हमारा, बेड बनाया डायरेक्ट और लगाया इसमें हमने, खरबूज की इंटरक्रॉप ली थी, खरबूज की इंटरक्रॉप भी अच्छी आई थी। तो 7 रुपए में पौधा है, और मतलब मिनिमम यू मान के चलो कि एक पौधे का कितना खर्च बैठ गया वो आपका लगभग? ये पौधे का खर्चा तो अब 7 रुपए का पौधा है, और 2-4-5 रुपए का खर्चा दूसरा है, तो 5 रुपए खर्चा इतना हमारा जो उसने खरबूज ने निकाल दिया, खरबूज ने निकाल दिया, खरबूज लगाया था उसमें हमने, खरबूज ने निकाल दिया इसको। माह में 2 बार कटिंग होगी अभी, हाँ। हमने ये जो पौधे छोड़े हैं ये पौधे जो है हमने पर प्लांट पे ही छोड़ दिया सर, हर पौधे पे हमने इसको छोड़ दिया है, तैयारी होने लग गई है वापिस। हाँ ये मोटी तने की भी अच्छी आई है फसल गुट्टी, और ये चलाने के इसमें भी गोबर और गोमूत्र का भी वो चलता है पानी, और ड्रिप से हम फसल गुट्टी और TCBT पद्धति को तो अपनाना ही पड़ेगा अगर आपको उचित अच्छी खेती करना है। नहीं गुरुजी आए थे, गुरुजी ने यह देखा है, उन्होंने कहा कि ये पांच महाभूत से परिपूर्ण जमीन है आपकी, इसमें तो आप अपना जो भी है आपके घर का जो भी आप बनाओगे हमारी पद्धति का और वो चला दो, तो हमने मीठा जैव रसायन भी चलाया है इसमें और खट्टा भी चला रहे हैं, ऐसी जो फसल है वो अब मतलब पहली बार हम देख रहे हैं, ये जो है फसल बंच जो है अच्छा आ रहा है, और इसमें एक जैसा सब केला आ रहा है, और एक समय कट जाएगा ये, अभी जो है दिसंबर का प्लांटेशन है और नवंबर में पूरा कट के खत्म हो जाएगा ये, और नवंबर के बाद मार्च अप्रैल में फिर सेकंड क्रॉप भी कट जाएगी, सेकंड क्रॉप कट जाएगी, ये सेकंड क्रॉप जो है बहुत जल्द तैयार होगी अभी, तो 18 माह में 2 बार कटिंग होगी और मुफ्त में हो रही, तो कौन सा मतलब अपने को धन। तो अभी मैंने सुना है कि केले में 100 के समथिंग खर्चा, 110 रुपए के समथिंग खर्चा आता है, 100 रुपए प्लांट तो कहीं से गया ही नहीं, इतना लोगों को खर्चा करते हैं, हाँ। जो है 7 रुपए में हमको प्लांट दिया, लगाई हुई तो खर्च करके 10-12 रुपए में गया, अब 12 रुपए का खर्चा और कहाँ 100 रुपए का खर्चा, अब 100 रुपए हमारे बचे हैं वो बिल्कुल बचा पैसा, तो हमको खुद मेहनत करना पड़ेगी, गो पालन करना पड़ेगा और पूरा पैसा बचेगा, कोई फसल घाटे का सौदा नहीं है। और TCBT मतलब किसानों के लिए सही है बिल्कुल, बाजार मुक्त खेती कराने की बात है, मेरा तो लक्ष्य है कि आप विष मुक्त खेती करें और हमारे देश और धरती माता को बचाएं और गौ माता की भी रक्षा करो, गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, गौ पालन होगा वो, और घर जाके सो वो तकनीक, अगर ये केले में भी वही होगा, केले में भी वही होना है कि आप जो है कहीं 10 साल तो हम नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, अब इतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी बिल्कुल मिलेगी वो, तो आपका यहाँ खाद इतना बल जाएगा इसकी पत्तियों का भी, और बस गोबर और गोमूत्र मल्टीप्लाई, जीवाणु को भोजन मिलता रहेगा बस अपना, और अब लागत नहीं है ना, गुरुजी ने कौन सी लागत बताई है हमको, TCBT खली हमारे पास है, नमक हमारे पास है, और चूना हमारे पास है, हम तो हमारे घर का उत्पाद बनाओ ना, ये केले का, और हम केले का ये जो है बनाएंगे जैव रसायन, अभी आपने बताया कि अब ये जो है इन्हीं को हम ड्रम में डालकर जीवाणु बैक्टीरिया ला करके, बस ये भी खर्च बचेगा, इसका भी हम वो जो है रसायन बनाएंगे पूरा इनका, ये पुष्प द्रव्य रसायन बन जाएगा केले में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें इसमें मिलेगी है।